क्या कार्यक्रम है? हम सब लोग एक मिनट रुक जाइए सर, जल्दी 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 नहीं पा रहा। लोकप्रिय नेता अब रहे और आज निश्चित तौर से मजबूती के साथ खड़े हैं, ऐसे भाजपा खास साहब से मिलने हम लोग जा रहे हैं और निश्चित उनकी इस दुख की घड़ी में कष्ट के समय में हम सब लोगों के साथ खड़े हैं, ये चीज उनसे शेयर करेंगे। कोई खास सूचना खास साहब से मिलने के लिए मिलने बस एक इंसानियत मानवता आज दुख की घड़ी है, कष्ट की घड़ी में है, उनको सजा हो गई है, सरकार लगातार उनके पीछे पड़ी है, तो उनसे सर खबर मिल रही है कि मना किया है शायद मिलने से, जेल अधीक्षक मिलने नहीं देना चाह रहा। अब ये प्रशासन जो भी चाहे मिलने दे न मिलने दे, तो प्रशासन की कैद में है, सरकार जो स्थिति हो पर हम लोग जाएंगे। अगले शादों से सब पूछ सर जब पूछा जाता है इस बारे में तो वो कुछ नहीं बोलते हैं इसको लेकर आजमगढ़ नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये कहा जा रहा है सियासत कर रहे हैं मुसलमान वोट बैंक को साथ साधने के लिए, मैसेज देने के लिए लोग सोच रहे हैं, मैं मानवता इंसानियत के नाते समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई आपके पाप नहीं धुल जाएंगे ये सब करने से। अब मैं मिलने जा रहा हूँ, बस सिर्फ उनसे मिलूंगा और जाके जो आज दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में कष्ट की घड़ी में आज हर व्यक्ति चाहता है कि दुख की घड़ी में उसके साथ खड़ा रहा जाए, तो आजम खान साहब जैसे मजबूत व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, 9-10 बार विधायक रहे, तो उनसे जाकर मिले। सर पार्टी में लाने की बात भी उनसे करेंगे क्या अपने साथ? निश्चित पहले मुलाकात होगी तब तो आगे बात बात की जाएगी, यानी कि बात कर सकते हैं। आपने कहा था पुराना घर है मुसलमानों के लिए कांग्रेस, नहीं तो पहले से मैं कह रहा हूँ कि भाई वो सारे लोग यहाँ पर रहे और सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी उनके साथ हमेशा खड़ी रही है, सुरक्षित रहे। पोस्टर लगाया गया है जी बिल्कुल, कल ही चला गया था, हमारे यहाँ से मेल भी चली गई थी और लेटर भी चला गया। परिजनों से कोई किस तरीके की कोई बातचीत हुई है क्या, मिलने आए हैं आप मिलिए? नहीं मैंने सूचना करा, पोस्टर लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है, ऐसा नहीं है, हम लोग मिलने जाएंगे। वो मैंने कहा कि सरकार की कस्टडी में बंद है, अब सरकार जो चाहे वो बोल दे, जो चाहे बता दे, ऐसा नहीं है। मेरी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने मिलने की लिए कहा है, उसमें हम लोग सब लोग जा रहे हैं। कांग्रेस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और आपको मुख्यमंत्री कैंडिडेट। भैया मैं छोटा आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ताओं की भावना उन्होंने जो कह दिया, पर सबसे पहले हम सब लोग 2024 में मोदी को हटाएंगे, राहुल गांधी को दे सकते। कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं तरफ से आवाज उठी है कि सपा से नहीं बल्कि बसपा से अगर गठबंधन किया जाए, संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, मैं तो 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहा हूँ, 80 सीट। ठीक है।